नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख एनबीसीएन के प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो डालते हैं आज के प्रदेश के खबरों पर एक नजर। फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को एमबीबीएस पुत्र ने पिता की जीत के लिए किया क्षेत्र में भ्रमण, जनता से की पिता के पक्ष में मतदान करने की अपील। इन दिनों टुंडला विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। भाजपा ने प्रेमलाल सिंह धनकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। इसी के तहत आज भाजपा प्रत्याशी के एमबीबीएस पुत्र ने पछोखरा क्षेत्र के गांव कोटकी और पछोखरा व नगला गंगाराम में पिता के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं और वह डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। आखिरकार दोनों का मकसद एक ही है। मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके से मेरे पिताजी राजनीति करके जनता की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरीके से मैं भी एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर रह के मैं मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगला बड़ी चौराहा स्थित रसना टॉकीज के सामने नेशनल हाईवे क्रॉस करते समय एक महिला की ट्रैक्टर के टक्कर लगने से मौत हुई है। यह घटना थाना रामगढ़ क्षेत्र रसना टॉकीज के सामने नेशनल हाईवे बड़ा मिर्जा का नगले की है। महिला निवासी फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र छोटा मिर्जा का नगला रसना टॉकीज के बराबर वाली गली की रहने वाली है। महिला का नाम राजकुमारी उर्फ डुड्डी देवी, पति स्वर्गवासी राज्यपाल सिंह, उम्र 40 वर्ष, अपने घर से दूध लेने के लिए बड़ा मिर्जा का नगला नेशनल हाईवे क्रॉस करने जा रही थी। तभी हाईवे क्रॉस करते समय तेजी से आ रहे ट्रैक्टर ने भारी टक्कर लगते ही महिला की तुरंत मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा महिला को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये भैया रोड क्रॉस करके आ रही थी, ट्रैक्टर वाले बहुत तेज ले आ रहे थे, उन्होंने उनको ऊपर टक्कर मार दी। रोड पार करके आ रही थी, कुछ सामान लेने गई थी दूध लेने के लिए। सर मुझे भी पता नहीं, यहाँ पे बैठा था, जब मुझे बताया कि एक्सीडेंट हो गया तो मैंने देखा मेरी चाची है यहाँ पे पड़ा। मैंने फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। घिरौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शाकन्या में 13 अक्टूबर की शाम बच्चे के विवाद में दबंगों ने पड़ोस में ही किराए के मकान में रहने वाले ज्ञान सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी नगला बल्लम उम्र 35 वर्ष को शराब के नशे में आकर बुरी तरह की मारपीट की है। 18 अक्टूबर की शाम करीबन 10 बजे ज्ञान सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की एक लड़की और दो छोटे बच्चे भी है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का आरोप है कि 13 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस बात को लेकर पुलिस से प्रधान पुत्र की काफी नोकझोंक भी हुई है तथा सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एनबीसीएन न्यूज के लिए मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र बिजली घर के सामने तेज गति से आती कंटेनर ने सुबह 6 बजे एक उठगाड़ी में टक्कर मार दी और कंटेनर डिवाइडर तोड़ सर्विस रोड पर निकल गया। गाड़ी का ड्राइवर हुआ फरार। वही बताया जा रहा है कि उठगाड़ी जो लकड़ी लेकर मंडी जा रही थी, तभी हुई घटना। ऊन की टांग टूट गई है, ऊन गाड़ी भी टूट गई, उनकी गाड़ी वाले की भी गंभीर चोट आई। मौके पर रसूलपुर थाने की पुलिस एनबीसी न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान। मिर्जापुर पुलिस को टेक्निकल डायरेक्टर जोवेंदु रथ हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली। मामले में वांछित 50,000 रुपए के इनामी बदमाश विक्रम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल, 32 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में इसने हत्याकांड में शामिल होने की बात को स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में इसी हत्याकांड में शामिल 50,000 के वांछित अभियुक्त भानु यादव को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा था। उस दौरान विक्रम भी उसके साथ था, मगर मुठभेड़ के दौरान मौका देखकर वह भाग निकला था। पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जो अभी घटना हुई थी 27/9/2020 को थाना चुनार जनपद मिर्जापुर में जिनेंदु रथ नाम के व्यक्ति की जो है, जो डायरेक्टर थे क्या कहते हैं शांति गोपाल फैक्ट्री में, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसमें जितने बदमाश आए थे उसमें चौथा बदमाश थे, 3 आदमी हम ऑलरेडी अकाउंट फायर कर चुके हैं कि चौथे बदमाश की गिरफ्तारी की जा रही है। और इस गिरफ्तारी के दौरान जो पुलिस को सूचना मिलती है, उस सूचना के आधार पर इस विक्रम यादव नाम की मुलजिम की गिरफ्तारी की जाती है, जो यहाँ पुरैनीम का थाना लाट का निवासी है। और इसके पास से
तीन कारतूस 0.32 का और एक पिस्टल जो है 0.32 की बरामद की जाती है मैगजीन के साथ। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। तो आज के प्रदेश के खबरों में वक्त चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए इन बीसीएन न्यूज़ से। नमस्कार।